भारतीय संविधान जागरूकता अभियान, विदर्भ विकास आघाड़ी और विरास स्पोर्टिंग क्लब ने संयुक्त रूप से आत्मक्लेश आंदोलन किया। गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया है। भारतीय शहीदों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में 150 साल लग गए। हालांकि हम इतने लंबे समय के बाद मिली आजादी और इतने सारे स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान को बरकरार नहीं रख पाए हैं। अगर हम आज भारत की स्थिति को देखें तो राजनीतिक नेताओं द्वारा आम लोगों की स्वतंत्रता को हरा दिया गया है। ऐसा लग रहा है आज सत्ता में रहने वाली सरकार आम आदमी की सरकार नहीं बल्कि अदानी अंबानी की सरकार है। बापू को अपने संघर्ष से आजादी मिली, फिर से नाकारे नेताओं के कारण गुलामी की चपेट में आ गए। स्वतंत्रता के बाद निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण कर रही है। धनी लोगों के लिए विदेशी विद्यालय में उच्च शिक्षा, बेहद गरीबों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी बढ़ाने वाली शैक्षिक नीति और अवसरों से वंचित करना। बापू द्वारा दी गई आजादी को सरकार ने उद्योगपतियों को सौंप दिया। गरीबों और किसानों के बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार अदानी अंबानी को ही विकसित करने में लगी है। राजनेताओं के रूप में बापू तेरे देश में चोर घुस गए हैं। किसानों की लूट की नई प्रणाली किसानों पर आपदा, लेकिन अंबानी के लिए एक अवसर सरकार के आशीर्वाद से है। अंबानी प्रति घंटे 90 लाख रुपए कमाते हैं। सर्वसामान्य जनता के RBI का राखी निधि अदानी अंबानी को LIC भारतीय रेलवे बेचना है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक के हालिया पारित होने पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। पहले छोटे व्यापारी किसानों को लूटते थे, अब नए कानून के अनुसार बड़े व्यापारी भी किसानों को लूट सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने की है। आज गांधी जयंती के दिवसी देशाला मिळालेला स्वातंत्र्य आम्ही अबाधित ठेवू की नाही ही भीती वाटायला लागल्यामुळे आम्ही महात्मा गांधीजींची माफी मागायला आज या ठिकाणी बसलेलो आहोत। गांधी जयंती दिनी त्यांना स्मरण करून आम्ही स्वतःवर आत्मक्लेश करून घेत आहोत की तुम्ही इतक्या महत्प्रयासाने मिळवलेलं स्वातंत्र्य आम्ही आमच्या पुढील पिढीसाठी राखून ठेवू की नाही ही शंका आता आम्हाला येत आहे। याचं कारण सरकारचे दिवसेंदिवस जनता विरोधी धोरणे, शेतकऱ्यांच्या विरोधात 3 विधेयकं पास झाली, कामगारांच्या विरोधात, म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तयार झालेला कामगार कायदा त्यातसुद्धा बदल केलेला आहे आणि कामगारांच्या अधिकारांचं हनन केलेलं आहे नवीन कायद्यामध्ये। नवीन शैक्षणिक धोरण, या धोरणातून बलुतेदारी निर्माण करणे आणि श्रीमंतांसाठी उच्च चांगलं शिक्षण, परदेशी शिक्षण आणि देशातल्या गोरगरीब नागरिकांसाठी सर्वसाधारण शिक्षण, असं शिक्षणामध्ये सुद्धा दुय्यम दर्जाचं वागणूक या सरकारकडून गोरगरिबांना, सामान्यांना मिळणार आहे, यासाठी आम्ही इथे आत्मक्लेश करण्यासाठी बसलो आहोत। आणि या महात्मा गांधी जयंती दिनी आम्ही माफ करा आम्हाला गांधीजी, आम्ही तुम्ही दिलेलं स्वातंत्र्य राखू शकत नाही, माफी असावी। यह सरकार श्रमिकों के मामले में भी उदासीन दिखती है। इस सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों के भी छीन लिया है। शिक्षा नीति 2019 गरीबों के लिए अलग शिक्षा और अमीरों के लिए अलग शिक्षा प्रदान करती है। इस निष्क्रिय सरकार और गांधी जी ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसका विरोध कर गांधी जयंती पर सरकार को जागृति करना न केवल राजनेताओं के लिए बल्कि भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए भी है। इसके माध्यम से सरकार यह बताना चाहती है किसी को भी भारत में 130 करोड़ लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा शासकों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस आंदोलन के माध्यम से अनिल जवादे द्वारा चेतावनी दी गई है कि इस आंदोलन में दिनेश वाघ, महेश माकाड़े, संजय धोटे, दिलीप देवतरे, गोपाल मांडोकर, अजय मुले, गोकुल पाटिल और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।